भर्ती दो, भर्ती दो, योगी जी भर्ती दो। बाबा तुमको देना होगा, नहीं तो तुमको जाना होगा। बाबा तुमको देना होगा, नहीं तो तुमको जाना होगा। बाबा तुमको देना होगा, नहीं तो तुमको जाना होगा। भर्ती दो, भर्ती दो। सभी साथियों, आज हमारे सभी साथियों को हमें दौड़ा दौड़ा के मार यहाँ पर पीटा गया, और यहाँ पर आंतरिक रूप से मारते हैं बिना वर्दी वाले आकर, सिविल ड्रेस में आकर प्रशासन मार रही है। यहाँ पर भाजपा कार्यालय में हमारे साथी हम सभी घुस करके अपनी मांग और हक रख रहे थे, जहाँ पर भाजपा सरकार के द्वारा प्रशासन द्वारा ने हमारे साथियों को हमें गले लातों से मारा और हमें हरामी कहा। हमें दुख हो रहा है कि आज बेरोजगार युवा हरामी हो गया। इनकी कैसे हिम्मत हुई आज हम हरामी हो गए? अगर रोजगार मांगना आज हमारे लिए गलत है, रोजगार मांगना आज हरामी और दंगाई कहा जा सकता है, तो हमें बहुत शर्म के साथ कहना चाहता हूँ कि मैंने जिस प्रकार से भाजपा सरकार को वोट दिया, आज मैं माननीय योगी जी को इस मंच के माध्यम बताना चाहता हूँ, अगर प्राथमिक शिक्षक भर्ती की विज्ञापन आचार संहिता से पहले जारी नहीं हुआ तो 21 लाख मेरे साथी आपका बहिष्कार करने का काम करेंगे। आज हम सबके खून खून में योगी भरा हुआ था, लेकिन आज जिस तरीके से भाजपा कार्यालय में जाकर के हमारी बात सुनने की बजाय वहाँ के पदाधिकारियों के इशारे पर प्रशासन ने हमें लात घूसों से मारा और हमें गाड़ी में बंद करके इको गार्डन छोड़ा जा रहा है। क्या इसी तरीके आवाज को दबाया जाएगा? क्या इसी तरीके हर बेरोजगार युवा मांग रोजगार मांगने पर लाठियों से पीटा जाएगा? ये लड़ाई मेरी नहीं है साथियों, ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये 21 लाख साथियों की है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आज इको गार्डन की धरती बंद हो जानी चाहिए। हमारे ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई की धमकी दी गई है, हमें उल्टा सीधा बोला गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ साथियों, ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई 21 लाख साथियों की है, और इस लड़ाई को हम इस तरह हारेंगे नहीं। जब तक सरकार रोजगार नहीं देगी तब तक हम शांत नहीं होने वाले। हमने आह्वान किया था कि जब तक विज्ञापन नहीं निकलेगा ये रजत सिंह आपका भाई इको गार्डन की धरती छोड़कर नहीं जाएगा। आज लगातार आज ऐतिहासिक लड़ाई लड़ेंगे हम सब, आज ऐतिहासिक लड़ाई लड़ने से कुछ नहीं जाए, जान रोजगार हो जाए। भाजपा कार्यालय के बाद हम सब हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ, इस वीडियो को हर एक साथियों तक पहुँचाओ, उनको बताओ इको गार्डन की धरती खाली नहीं रहनी चाहिए, यहाँ पे हमें हर हाल में इको गार्डन पे पहुंचना है, तभी सरकार दबाव में आएगी। नहीं, ये सरकार भर्ती नहीं देगी, भर्ती मांगने पर लाठियों लातों से और मुखों से मरवाया जा रहा है। यहाँ तक कि बिना वर्दी के आए हुए सिविल ड्रेस के द्वारा मरवाया जा रहा है मेरे साथी, मेरे पीछे मेरे साथी, सभी साथी यहाँ हमारा मोबाइल छीन लिया गया है, हमारा भी मोबाइल नहीं मिल रहा है। मोबाइल यहाँ पर सारे लोगों का मोबाइल छीन लिया गया, एक मोबाइल बची हुई है, जिस मोबाइल से आप सबको लाइव वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, प्रशासन ने सभी लोगों की मोबाइल छीन लिया है। मेरे साथी अंकुर जी का भी मोबाइल छीन लिया, नमन जी का भी फोन छीन लिया, रामिया जी का मोबाइल छीन लिया, विनोद का छीन लिया, सब लोगों का फोन छीन लिया गया है। योगी जी भर्ती दो। सभी लोगों का प्रशासन ने मोबाइल छीन लिया है। सबसे निवेदन करना चाहते हो, अगर भर्ती लेना है तो सब कोई घर से निकल जाओ, अभी भी समय आचार संहिता से निकलने से पहले भर्ती मिल सकती है, अन्यथा इसी तरीके से आप लाइव वीडियो देखेंगे और कोई भी हमारी समस्याएं नहीं सुनने वाला है। अगर भर्ती लेना है
तो सरकार पर दबाव बनाना पड़ेगा। दो लोग, दस लोग, सौ लोग, दो सौ लोग, पांच सौ लोग के लाठी खाने, गाली खाने, मुकदमा से कुछ नहीं होने वाला। हम सब बिना खाए पिए आज लखनऊ की सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ पर हम सबको आवाज दबाया जा रहा है, फोन को छीन लिया जा रहा है, मीडिया को रोका जा रहा है। हम सब अपनी आवाज कहाँ बताए, किसको जगाए, कहाँ जाए। ये सरकार नहीं सुन रही है, प्रशासन के बल पे गुंडागर्दी आवाज को दबाने का काम कर रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मेरे हौसले को मत तोड़ने दो साथियों। ये हौसला अगर टूट गया तो भर्ती से वंचित हो जाएंगे और तीन साल तक बेरोजगारी का दंड झेलेंगे। ये हमें पुलिस की मार से, गाली से, शब्दों से दुख नहीं हो रहा है, आज दुख हो रहा है कि 21 लाख लोगों की ये भाई आपका लड़ाई लड़ रहा है रजत सिंह, लेकिन 2100 लोग धरने में नहीं पहुंच रहे हो। निवेदन करना चाहता हूँ, एक एक लाख साथियों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। ये लड़ाई किसी एक लोगों की नहीं है, इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ साथियों, प्राथमिक शिक्षक भर्ती हम लेकर रहेंगे, नहीं तो हम नहीं जाएंगे लखनऊ की धरती से। योगी जय भर्ती दो, योगी जय भर्ती दो, योगी जय भर्ती दो, भर्ती दो, 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 योगी जय भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, योगी जय भर्ती दो, योगी जय होश में हो, 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 योगी जय। मैं मन के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर राजनीति चक्रवर्ती का विज्ञापन आचार संहिता के मायने में नहीं जारी हुआ तो आप जान लीजिएगा किसी भी साथी को कुछ भी हो गया, किसी भी साथी को कुछ हो गया या कुछ नहीं किया तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। 21 लाख साथियों का परिवार है आपके साथ। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि भर्ती का विज्ञापन जारी होना चाहिए। मेरे साथी का मोबाइल छीन लिया गया, नमन जी का फोन छीन लिया गया, सबका फोन छीन लिया गया। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, योगी जय भर्ती दो, योगी जय भर्ती दो, योगी जय भर्ती दो, योगी जय भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, योगी जय भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, योगी जय भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, योगी जय भर्ती दो, बाबा तुमको देना होगा, नहीं तो तुमको जाना होगा, बाबा तुमको देना होगा, नहीं तो तुमको जाना होगा, योगी जी भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती खोला, खोला गेट, गेट खोला, गेट खोला, गेट खोला, गेट खोला, खोला खोला, योगी जो भर्ती दो, योगी जी भर्ती दो, Yeah!
डाले सभी लोग बैठ जाओ जैसा कि आज विधानसभा घेरा हुआ है और 97 नई शिक्षक भर्ती के लिए आज संख्या जिससे उम्मीद थी उनसे बहुत कम है वैसे बाहर निकलिए अन्यथा भर्ती नहीं पाएंगे अच्छा संख्या लग जाएगा नहीं चलेगी नहीं चलेगी। जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं जो भी अभी साथी अपने घरों में वो जल्द से जल्द घर से निकले क्योंकि समय कम है 10 दिन का समय है 10 दिन में या तो विज्ञापन निकलवा लो या तो घर में बैठ के 3 साल तक रोटियां सेकना। धन्यवाद। सभी साथियों को इसे पता है कि आज हम लोग बीजेपी कार्यालय का घेरा दिए थे वहाँ पे योगी की पुलिस ने हम लोगों को छुपा दिया है छोड़ दिया गया है हम लोगों को रोड पे घसीट के मारा गया है उसके अधिकारियों द्वारा सिविल ड्रेस में कईयों के हमारे मोबाइल चलो तुम लाइव दिखाते रहो बैठा दे रहे हो हाथ पर जोड़े भाई जहाँ पे सो सब कोई वही बैठ जाओ जहाँ पे वही बैठ जाओ सभी साथियों को निवेदन है कि वो अपने स्थान पे बैठ जाए शिक्षक भैया सभी साथियों से लोगों से बैठ जाइए सभी साथियों नमन क्या हुआ कुछ लोग थोड़ी जल्दी क्योंकि यार हम लोग अरे मोबाइल या सीन लिए दोनों अभी दोबारा फिर नहीं दोबारा पूरा चले के पूरा सफर और बच्चे आ भी रहे नहीं है आगे थे ना अगर होगा तो होगा आगे जो होगा उसमें तेल एक ही पड़ी जाती है लगा लिया सुबह
इसको चावल रख दो पंकज चाय पियो थोड़ा सा बाबू एक सौ आठ वाले खुद धरना दे रहे सामने क्या बोलो बच्चे के पेट में चोट लगे मध्य प्रदेश है इसको पकड़ना पड़ेगा खबर में निकालेंगे सरकार ने गलत अपनाया है कि इसको काफी लाख बीते थे लाठी के डंडे से मारा गया है और पूरे में भैया कह रहे हैं जब आप लोगों को वक्त समझाएगा तो आप लोगों के लिए रोने के लिए आंसू भी नहीं मिलेगा मैं यही कहना चाहता हूँ लेके आ रहा मैं सचिन यादव कानपुर से 2017 बैच का प्रशिक्षु हूँ। यहाँ पे हमारे भाइयों के ऊपर लाठी डंडा चार्ज किया जा रहा है और आप लोग घर में बैठ के देख रहे हो शर्म रहे हैं तुम लोग को कि हम अपने भाइयों के साथ खड़े होते तुम लोग साले नमाज धो के आते नहीं यहाँ पे इतना बेचारा मार खाया है यहाँ पे अरे इतना मार खाया भाई हमारा लाठ से मारा।